बेंगलुरु से चौंका देने वाला फेडेक्स कुरियर घोटाला सामने आया है। इसमें एक महिला पत्रकार को जालसाजों ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। दरअसल इंटरनेशनल पार्सल के नाम पर पुलिस को इस तरह की तमाम शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें ठग पार्सल में अवैध वस्तुएं होने का डर दिखाकर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। ऐसे में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि ये कुरियर वाली ठगी कैसी है। आपको अचानक से कॉल आएगा, कहा जाएगा कि आपका एक कुरियर आया है, उस कुरियर में कुछ आपत्तिजनक सामान है, ड्रग्स वगैरह हैं। आप डर जाएंगे और इसी डर का फायदा उठाकर बाकायदा आपको जूम कॉल में लेकर असली से दिखने वाले पुलिस वाले कस्टम्स के अधिकारी, इस तरह से आपको माहौल बना दिया जाएगा कि आप डर जाएंगे और फिर आपसे अनाप शनाप वसूली की जाएगी। और यही हो रहा है, बहुत सारे इस तरह की शिकायतें आ रही थी, इसीलिए आज हमने सोचा कि इस पर शो करके आपको किया जाए आगाह। करेंगे खास मेहमानों से बात, कैसे बचना है, कैसे समझना है कि यह फ्रॉड है या कोई जेन्युइन कॉल, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मार्केट में जालसाजी के नए नए तरीके आ गए हैं। अभी तक ओटीपी, फर्जी क्यूआर कोड और फ्रॉड वाले लिंक भेजकर ठग अपने शिकार को चूना लगा दे रहे हैं। इसके अलावा फर्जी ऑफर्स, बिजली बिल और केवाईसी के नाम पर भी जालसाजी के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अब ठगी के ये सारे हथकंडे पुराने पड़ चुके हैं, तो नया क्या है? है ना, कुरियर घोटाला। इस तरह की ठगी में जालसाज पढ़े लिखे लोगों को चूना लगा रहे हैं और उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं। दरअसल बेंगलुरु की 70 साल की एक पत्रकार को साइबर ठगों ने 1,20,00,000 रुपए का चूना लगा दिया। घटना हालांकि पिछले महीने की है, लेकिन इसका खुलासा अब हो रहा है। बता दें कि ठगी की शिकार पत्रकार को पहले एक व्हाट्सएप कॉल आता है। ठगी के इस कॉल में महिला पत्रकार को बताया जाता है कि उनके नाम का फेडेक्स से एक इंटरनेशनल पार्सल आया हुआ है। कॉल करने वाले ने खुद को कुरियर कंपनी का अधिकारी बताया। कॉल करने वाले ने कहा कि महिला के नाम से जो कुरियर आया है उसमें 240 ग्राम MDMA नामक प्रतिबंधित दवा पाई गई है। उसने पत्रकार को विश्वास में लाने के लिए महिला का नाम और आधार नंबर भी साझा किया। ठगी का खेल अब यहीं से शुरू हो गया। तो आप भी समझिए कि आखिर क्या है ये कुरियर घोटाला। दरअसल फेडेक्स का अधिकारी बनकर फोन करने वाले ने महिला पत्रकार से कहा कि उसकी ये कॉल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB को डाइवर्ट की जा रही है। साथ ही महिला पत्रकार को ये भी बताया गया कि कुरियर में SBI क्रेडिट कार्ड भी मिले हैं, जिन्हें अवैध रूप से ताइवान भेजा जा रहा है। अब महिला पत्रकार को डराने का काम शुरू होता है। उसे बताया जाता है कि मुंबई के अंधेरी नारकोटिक पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फर्जी फेडेक्स अधिकारी बने व्यक्ति ने NCB अधिकारी से बात करने के लिए महिला को स्काइप ऐप डाउनलोड करने को कहा। यह महिला को फर्जी बने NCB अधिकारी कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस से बचने के लिए महिला को जमानत के तौर पर पहले कुछ पैसे जमा कराने होंगे। फर्जी बने NCB के पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला की पूरी वेरिफिकेशन के बाद जमा किए हुए पूरे पैसे उसे मिल जाएंगे। डरी सहमी महिला पत्रकार ने डरकर 1,20,00,000 रुपए से अधिक की रकम ठगों की ओर से दिए गए 4 खातों में जमा कर दी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक पढ़ी लिखी पत्रकार इतनी आसानी से ठगों के झांसे में कैसे आ गई? दरअसल स्काइप कॉल में दिखने वाला ऑफिस बिल्कुल NCB की ऑफिस की तरह ही दिख रहा था। पुलिस अधिकारी भी असली दिख रहे थे, यानी भ्रम का ऐसा माहौल बनाया गया जो पत्रकार को डराने के लिए काफी था। लेकिन पत्रकार से यही एक बड़ी चूक हो गई। उसने एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। उन्हें सबसे पहले अंधेरी पुलिस स्टेशन में इस बारे में पता करना चाहिए था कि मामला क्या है। उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनकी ये चूक उन पर भारी पड़ी। ऐसे में अगर कोई ऐसी कॉल किसी को आए तो पहले तो इसे इग्नोर करें, डरे नहीं, पुलिस को इस तरह की कॉल की जानकारी दें। ऐसा कर आप जालसाजों के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं, साथ ही पुलिस को इन पर शिकंजा कसने में आसानी होगी। सो अलग ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।